नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गा पटेल। आप सभी का एंड्रॉयड गुरु में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल यानी एक्टिवेट कैसे करें। इससे हमको क्या फ़ायदा है ये भी मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दूंगा कि इसके और अतिरिक्त लाभ क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम और नीचे जाएंगे, इसमें सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिख रहा होगा, इसको फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हर कंपनी का एक अपना पर्सनल डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो यहाँ पे एक एंड्रॉयड का अपना डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर है जो नीचे आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, फाइंड माय डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखेंगे आपकी इरेज ऑल डाटा, चेंज द स्क्रीन लॉक, लॉक द स्क्रीन, डिसेबल सम स्क्रीन लॉक फीचर्स। ये सारे फीचर्स इसलिए हैं कि आपका अगर मोबाइल या स्मार्टफोन कहीं खो जाता है, उसके बाद आप किसी दूसरे स्मार्टफोन में फाइंड माई डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करके आप अपने मोबाइल के सारे डाटा को इरेज कर सकते हैं। चेंज द स्क्रीन लॉक मतलब कि अपने लॉक को चेंज भी कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक को। उसके बाद आप स्क्रीन लॉक फीचर्स को भी डिसेबल कर सकते हैं या अपने स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर उसमें लोकेशन फीचर्स और हैं तो आप जीपीएस के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल किस लोकेशन में अभी रन कर रहा है। यहाँ पे नीचे दो पैनल नज़र आ रहा होगा, दो ऑप्शन है, एक कैंसिल का ऑप्शन है, एक एक्टिवेट का ऑप्शन है। तो हमें एक्टिवेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी, एक्टिवेट का ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा फाइंड माई डिवाइस एनेबल हो जाता है। उसके बाद आप अपने मोबाइल को कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं। ये हमारे हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, मेनली हमारे मोबाइल में ये फीचर्स को इनेबल करने से पहले हमें जीमेल लॉगिन कर लेना ज़रूरी होता है। अपने मोबाइल में जीमेल आईडी से लॉगिन कर लें, उसके बाद ही आप फाइंड माई डिवाइस को एनेबल करें। उसके बाद हम बैक में जाएंगे, फिर उसके बाद आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन को आप एक बार इंस्टॉल करके आप उसमें लॉगिन करके अपने मोबाइल को ट्रेस कर सकते हैं। ये गूगल फाइंड माई डिवाइस का ये एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करके आप अपने मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं और अपने स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं, जो भी फीचर्स हैं इसमें, अपने डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। जी, ये वीडियो इतना ही तक था। आगे मैं और भी आप लोगों के लिए एंड्रॉयड से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरा चैनल एंड्रॉयड गुरु सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।